व्हाट्सअप गाइज, आप देख रहे हैं ऑन फायर गेमिंग यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैजिक्स गेमिंग मॉड्यूल गेमर्स एक्सट्रीम के लेटेस्ट अपडेट X3.1 की। मॉड्यूल का फ्लैशिंग, टर्मिनल कमांड्स का यूज और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो चलिए अब फटाफट से बात कर लेते हैं मॉड्यूल के चेंज लॉग की। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का चेंज लॉग आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप इसे पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। मॉड्यूल का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मॉड्यूल को डाउनलोड कर लेना। फिर आपको आ जाना है अपने मैजिक्स मैनेजर में, इसके बाद मॉड्यूल सेक्शन, फिर इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज, और आपने जहां भी मॉड्यूल को डाउनलोड किया है आपको उसे सर्च कर लेना है, फिर मॉड्यूल पर टैप कर देना है। मॉड्यूल पर टैप करते ही कुछ इस तरीके से फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये आपसे कोई वॉल्यूम की प्रेस करने को भी नहीं कहेगा, कुछ ही सेकंड्स में फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपके सामने रिबूट का ऑप्शन आ जाएगा। और ये मॉड्यूल आपको मिलता है ओनली स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स के लिए, तो किसी और पे आप इसे ट्राई मत करना। रिबूट का ऑप्शन आ जाने के बाद आपको फोन रिबूट कर लेना है। फोन के रिबूट होने के बाद आप मैजिक्स के मॉड्यूल सेक्शन को चेक कर सकते हो। गेमर्स एक्सट्रीम X3.1 सक्सेसफुली आपको इंस्टॉल्ड मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मॉड्यूल के साथ मिलने वाले टर्मिनल कमांड्स की। तो टर्मक्स को आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। फिर आपको यहाँ पे कमांड टाइप करनी है su /desc/gex। कमांड एंटर करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा और कुछ सेकंड्स बाद ये ऑटोमेटिकली आपके फोन को बूस्ट करना स्टार्ट कर देगा। बूस्ट का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके सामने मेन्यू आ जाएगा। मेन्यू में आपको चार अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है क्लियर ऑल टेम्परेरी फाइल्स, ये रिकमेंडेड भी है, तो चलिए इसे रन कर ही लेते हैं। इसके लिए आपको टाइप करना है 1 और एंटर कर देना है। उसके बाद ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, तो आपको कैपिटल Y टाइप करके एंटर कर देना है। इसके बाद आपको मिलते हैं गेमिंग और बैटरी मोड। पहले बात कर लेते हैं बैटरी मोड की। तो अगर आपने चेंज लॉग को पढ़ा होगा तब तो आपने नोटिस किया ही होगा, बैटरी मोड को ऑन करते ही ये फोन के गवर्नर को शिफ्ट कर देगा पावर सेवर पर। इससे आपके फोन का परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा और बैटरी बैकअप इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप फोन को वापस नॉर्मल स्टेट में लाना चाहोगे तो उसके लिए आपको फोन रिबूट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं गेमिंग मोड की। तो गेमिंग मोड ऑन करने के लिए आपको टाइप करना है 2 और एंटर कर देना है। कमांड एंटर करते ही ये मैजिक्स और टर्मिनल इमुलेटर को छोड़कर बाकी सभी एप्स को फोर्स क्लोज कर देगा। कमांड कंप्लीट होने के बाद भी आपको टर्मिनल इमुलेटर को एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि हर 95 सेकंड्स के बाद ये बैकग्राउंड में चल रहे सभी एप्स को क्लोज करेगा। लोडिंग के आगे सेकंड्स भी आप देख सकते हो। आपने नोटिस किया होगा इसने मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर को भी स्टॉप नहीं किया, इसने उसे स्किप कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर को मैंने ऐड कर दिया था गेमर्स एक्सट्रीम के ब्लैकलिस्ट में। गेमर्स एक्सट्रीम के गेमिंग मोड को ऑन करने से पहले आप अपने गेम्स को ऐड कर लेना ब्लैकलिस्ट में, और ब्लैकलिस्ट में कैसे ऐड करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी ऐप पे क्लिक करना है और चले जाना है ऐप इन्फो में। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको उस फोल्डर का नाम देखने को मिलेगा जिसमें इस ऐप का सभी डाटा स्टोर होता है, तो इस पर लॉन्ग प्रेस करने पर आपके सामने कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। अगर आपके फोन में यहाँ पर उस फोल्डर का नेम नहीं शो हो रहा है या फिर वो कॉपी नहीं हो पा रहा है तो आपको आ जाना है एंड्रॉइड में, फिर जाना है डाटा फोल्डर में। यहाँ पर आपको सभी इंस्टॉल्ड एप्स के फोल्डर दिख जाएंगे, तो नेम को आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। जैसा कि आप देख ही सकते हो मैं BGMI का ही नेम कॉपी कर रहा हूँ। तो ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने अपने गेम को ऐड नहीं किया ब्लैकलिस्ट में तो टर्मिनल कमांड 95 सेकंड्स के बाद आपके गेम को ही क्लोज कर देगा। नेम कॉपी करने के बाद आपको बैक आ जाना है। एंड्रॉइड में ही आपको गेमर्स एक्सट्रीम एक्स का एक फोल्डर मिलेगा, इसके डाटा के अंदर आपको मिल जाएगी ब्लैकलिस्ट। तो इस ब्लैकलिस्ट को आपको ओपन कर लेना है अपने टेक्स्ट एडिटर में। जब आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे 5 नेम्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद 6 नंबर पे मैंने ऐड किया है मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर को, और 7 नंबर पे टेलीग्राम को, और 8 नंबर पे मैं ऐड कर लेता हूँ पबजी या BGMI को। ऐसे ही अगर आप कुछ ऐप्स को यूज करना चाहते हो गेमिंग के टाइम तो उन्हें भी आप एक के बाद एक इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अब मैं फिर से ओपन कर लेता हूं टर्मिनल इमुलेटर को और आपको एक बार गेमिंग वाला कमांड भी रन करके दिखा देता हूं। अब मैं फटाफट से गेमिंग मोड को ऑन कर लेता हूं। इसके लिए टाइप करता हूं नंबर 2 और एंटर कर देता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हो जिन 3 एप्स के नाम ऐड किए थे मैंने ब्लैकलिस्ट में उन्हें भी इसने स्किप कर दिया है।
तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों के लिंक मिल जाएंगे, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टा का भी लिंक मिलेगा, आप फॉलो और DM कर सकते हो।